हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल रीड लेसन नंबर 4, सरदार वल्लभ भाई पटेल द आयरन मैन ऑफ इंडिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल वॉज अ पॉलिटिकल एंड सोशल लीडर ऑफ इंडिया हु प्लेड अ मेजर रोल इन कंट्री स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस एंड सब्सिक्वेंटली गाइडेड इट्स इंटीग्रेशन इनटू अ यूनाइटेड इंडिपेंडेंट नेशन। सरदार वल्लभ भाई पटेल एक पॉलिटिकल, राजनीतिक और सामाजिक जो है नेता थे भारत के, जिन्होंने के भारत के जो आज़ादी का संघर्ष था उसमें बहुत अहम भूमिका निभाई है, और उसके बाद इस देश को एकजुट करने में, एक आज़ाद राष्ट्र बनाने में भी इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। He was instrumental in persuading more than 500 princely states to merge with India after the British left. The country for his unwavering commitment to national integration and strong resolve to work for the unity of country. He is called the Iron Man of India. Let's learn more about this remarkable man in the following lesson. अब जब भारत आज़ाद हुआ तो ये कई हिस्सों में अलग अलग मतलब स्टेट्स में बटा हुआ था, तो इन्होंने उनको मर्ज किया। ब्रिटिश राज जाने के बाद उनको मर्ज किया, इकट्ठा किया आपस में मिला के। इसलिए इन्होंने ये कमिटमेंट किया था कि राष्ट्र को एकजुट करेंगे और बहुत ही मजबूत राष्ट्र बनाएंगे ताकि ये एकता के साथ देश रह सके। इसीलिए इनको द आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। लेट्स लर्न मोर अबाउट दिस रिमार्केबल मैन इन द फॉलोइंग लेसन। तो इस लेसन में इन के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। पॉपुलरली नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया, सरदार वल्लभ भाई पटेल वॉज वन ऑफ द फाउंडिंग फादर्स ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। ही प्लेड एन एग्जाम्पलरी रोल इन गेटिंग इंडिया इंडिपेंडेंट फ्रॉम द ब्रिटिश रूल। However, his role in the struggle of India's independence did not end just with that. He was the man who guided the country to become a united, independent nation. तो वैसे तो इनको आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ये जो रिपब्लिक ऑफ इंडिया के ये फादर्स माने जाते हैं, इन्होंने बहुत अहम भूमिका निभाई है भारत को आज़ादी दिलाने में ब्रिटिश रूल से। और जो इनका जो रोल है भारत के आज़ादी में, इनका जो संघर्ष रहा है, डिड नॉट एंड जस्ट विद दैट, यहाँ पर ही ख़त्म नहीं होता। ही वॉज़ द मैन हु गाइडेड द कंट्री। ये वो व्यक्ति थे जिन्होंने के पूरे देश का पथ प्रदर्शन किया टू बिकम अ यूनाइटेड इंडिपेंडेंट नेशन, ताकि ये पूरा देश यूनिटी में रहे, एकजुट होकर एक आज़ाद राष्ट्र बन सके। बोर्न टू अ गुजराती फैमिली इन करमसार, सरदार वल्लभ भाई पटेल वॉज द फोर्थ ऑफ सिक्स चिल्ड्रन ऑफ हिज फादर। इनका जन्म एक गुजराती परिवार में करमसार में हुआ था। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे फोर्थ नंबर पर थे। इनके पिताजी के 6 बच्चे थे जिनका नाम था झवेरी भाई। ही हैड 3 एल्डर ब्रदर्स। इनके 3 बड़े भाई थे एंड अ यंगर ब्रदर, एक छोटा भाई एंड सिस्टर, एक छोटी बहन थी। फ्रॉम अ वेरी यंग एज वल्लभ भाई डिस्प्लेड रिमार्केबल मेंटल टफनेस एंड फिजिकल स्ट्रेंथ। बहुत छोटी उम्र से ही इन्होंने अपना जो मानसिक कठोरता थी, टफनेस थी, और जो फिजिकल इनकी स्ट्रेंथ थी, ताकत थी शारीरिक रूप से, वो दिखाना शुरू कर दिया। वंस ही हैड अ बॉयल इन हिज आर्मपिट एंड ड्यूरिंग दोज डेज इन हिज विलेज द पीपल यूजली वेंट टू अ मैन हु यूज्ड टू हीट एन आयरन रोड एंड पुट इट ऑन द बॉयल टू ट्रीट इट। तो एक बार उनके बगल में कुछ बॉयल, कुछ बुलबुला जैसा हो जाता है अनहाइजीन की वजह से, या किसी और इन्फेक्शन की वजह से, स्वेटिंग की वजह से भी हो जाता है आर्मपिट पे। तो वहाँ पे एक बॉयल हो गया, एक बुलबुला सा हो गया, तो जिसको के आमतौर पर लोग जाते थे एक ऐसे पर्सन के साथ जो कि रॉड गर्म करके उसको उस जगह पर लगा देता था और वो ठीक हो जाता था। वैन
यंग पटेल वेंट टू हिम, जब छोटा सा पटेल उनके पास गए, ही वॉज रिलक्टेंट टू ट्रीट हिम, तो वो बहुत हैजिटेट हो रहा था. रिलक्टेंट मीन्स होता है अनविलिंग और हैजिटेंट, वो मना कर रहा था उसका इलाज करने के लिए. दैट मीन्स वो पर्सन जो है गरम गरम रॉड उसको नहीं लगाना चाहते थे. बट पटेल डिड नॉट वेट फॉर द मैन, लेकिन पटेल ने उस मैन की वेट नहीं की एंड हिमसेल्फ प्लेस द हॉट आयरन रॉड ऑन हिज बॉयल, और खुद ही उस गरम गरम आयरन रॉड को अपने आर्मपिट में लगा लिया. पटेल ग्रू अप टू बिकम अ बैरिस्टर, जब वो बड़े हुए तो वो बैरिस्टर बने. बैरिस्टर मैंने लॉयर, वकील बने. वर्किंग हार्ड ही ग्रेटली एक्सपेंडेड हिज प्रैक्टिस एंड हिज वेल्थ, उन्होंने मेहनत किया और अपनी प्रैक्टिस को और बढ़ाया और जिससे उनकी वेल्थ भी बढ़ गई, वो अमीर हो गए. मीनवाइल ही गॉट इंस्पायर्ड बाय द वर्क्स एंड टीचिंग्स ऑफ महात्मा गांधी, इसी दौरान वो महात्मा गांधी की शिक्षाओं से बहुत प्रभावित हुए एंड बिकम कीनली इंटरेस्टेड इन इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, और बहुत उत्सुकता से उनको रुचि लेने लगे भारत के संघर्ष में जो कि आज़ादी के लिए था. As one of the leaders of Indian National Congress, he rose to prominence in his home state Gujarat for his outstanding work of saving the peasants of Gujarat from the oppressive policies of the British Raj through Bardoli Satyagraha. तो उन्होंने अपने स्टेट से ही, जो गुजरात थी वहाँ पर उन्होंने बहुत ही बढ़िया काम किया. उन्होंने सेव किया पीजेंट्स को, पीजेंट माने किसानों को, गुजरात के किसानों को, जो कि ऑप्रेसिव पॉलिसीज, ऑप्रेसिव मतलब क्रूअल, जो कि क्रूअल पॉलिसीज थी ब्रिटिश राज की, उन्होंने उससे उन किसानों को आज़ाद कराया बारदोली सत्याग्रह में. इट वॉजेंट लॉन्ग बिफोर पटेल बिकम इंडिस्पेंसिबल फॉर द नेशनलिस्ट मूवमेंट. इट वॉज फॉर हिज एबिलिटी टू लीड फ्रॉम द फ्रंट दैट ही वॉज गिवन द निकनेम सरदार, मीनिंग द चीफ. अब इतना ही नहीं था, जो पटेल थे वो इंडिस्पेंसेबल, इंडिस्पेंसेबल मतलब होता है एसेंशियल, एक ज़रूरी अंग बन गए थे वो नेशनलिस्ट मूवमेंट के. ठीक है, जो भी राष्ट्र में आंदोलन चल रहे थे उसके, उनकी योग्यता के लिए ही जो सबसे आगे वो रहते थे, उनको एक निक नेम दिया गया, मतलब उन्हें नाम दे दिया गया सरदार का, जिसका मतलब होता है चीफ. पटेल इज ऑल्सो credited with establishing the modern all India civil services, and for the same is regarded as the patron saint of India's civil servants. तो उनको सारा credit दिया जाता है कि उन्होंने स्थापना की थी, जितने भी all India civil services हैं उनको establish किया था, उनकी स्थापना की थी, और same ही उनको patron saint of India civil servants का कहा जाता है. ठीक है, सरदार पटेल सपोर्टेड द एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन. इनके साथ साथ उन्होंने क्या काम किया, औरतों के लिए, औरतों को ऊपर उठाने, उनके स्टेटस को ऊपर उठाने का काम किया. वर्कड फॉर एबोलिशिंग अल्कोहिज्म, उन्होंने काम किया, एबोलिश मतलब ख़त्म करना, किसको, अल्कोहिज्म को, शराब को ख़त्म करने का काम किया. अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी मतलब छुआछूत, जो मतलब कि ऊंच जात और नीच जात का जो भेद होता है उसको ख़त्म किया. एंड कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, जाति का भेदभाव जो होता है कि ये क्षत्रिय है, ये ब्राह्मण है, ये शूद्र है, वैश्य है, इस तरह जो जातियों को जो समाज में, ये हमारा समाज जो जातियों में बटा हुआ था, उसको भी ख़त्म करने की कोशिश की उन्होंने. सरदार पटेल एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन गांधी लेड क्विट इंडिया मूवमेंट. तो सरदार पटेल ने बिल्कुल भाग लिया गांधी जी का जो आंदोलन था, भारत छोड़ो आंदोलन. द क्विट इंडिया मूवमेंट बिगिन इन अगस्त 1942. अगस्त 1942 में यह आंदोलन स्टार्ट हुआ था. सरदार पटेल इन्फ्लुएंस द लार्ज क्राउड दैट ही हैड एग्जाम्पल्ड टू टेक पार्ट इन द सिविल डिसोबीडियंस. तो सरदार पटेल ने भी बहुत प्रभावित हुए इस बड़ी भीड़ को देख के जो कि भाग लेने के लिए आई हुई थी. विच इंक्लूडेड शट डाउन ऑफ ऑल सिविल सर्विसेज, इन्होंने सारे सिविल सर्विसेज को बंद कर दिया. एंड रिफ्यूजल टू पे टैक्सेस, और उनको टैक्स देने से भी मना कर दिया. वल्लभ भाई वॉज अरेस्टेड इन दिस एजिटेशन, इस प्रदर्शन में वल्लभ भाई को गिरफ्तार कर लिया गया एंड रिलीज ओनली आफ्टर द 3 years इन जून 1945. और 3 सालों बाद जून 1945 में इनको रिलीज किया गया, छोड़ा गया. स्ट्राइक्स, प्रोटेस्ट एंड रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ रूल्ड इंडिया ड्यूरिंग दिस टाइम.
विद द रिजल्ट दैट ब्रिटिश डिसाइडेड टू लीव इंडिया एंड ट्रांसफर द पावर टू द इंडियंस। तो हड़तालें की गई, प्रदर्शन किए गए, क्रांतिकारी जो कार्य किए गए, तो मतलब इससे क्या बदलाव आया? इसका परिणाम ये हुआ कि ब्रिटिश ने, अंग्रेज़ों ने यह तय किया कि वो भारत छोड़कर चले जाएंगे और जितना भी जो शक्ति है, जो सत्ता है, वो भारतीयों के हाथों में दे देंगे।